ये है तेज प्रताप यादव और ये है तेजस्वी यादव। दोनों ही बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं और ये हैं दोनों मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स के माता पिता। हर माँ बाप की तरह इन माता पिता को भी अपने बेटों की शादी की बहुत फिक्र है। बेसब्री से बहू का इंतजार है। अब इंतजार तो है लेकिन जल्दबाजी नहीं है। आखिर मामला बिहार की नंबर वन फैमिली के राजकुमारों का है। अब क्योंकि दोनों राजकुमार हैं तो जाहिर है कि दुल्हन भी खास होगी, कम से कम राजकुमारी जैसी तो होगी ही। अब राजकुमारी की तलाश आसान कहाँ है। ऊपर से राबड़ी देवी को अपने बेटे के लिए राजकुमारी भी संस्कारी चाहिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, राबड़ी देवी संस्कारी बहू चाहती हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी ये इच्छा मीडिया के सामने जाहिर की तो वैसे ही बवाल मच गया। जितने मुंह उतनी बातें और जितने लोग उतने कयास। चारों तरफ से बस एक ही सवाल, ये संस्कारी क्या होता है। वैसे राबड़ी देवी ने अपने हिसाब से संस्कारी बहू के लक्षण भी बताए थे। उनके मुताबिक सिनेमा हॉल और मॉल जाने वाली लड़कियां संस्कारी नहीं होती, घर चलाने वाली और बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाली लड़की संस्कारी होती है। वैसे ये तो मालूम नहीं कि राबड़ी को ये किसने बताया कि मॉल और सिनेमा जाने वाली लड़कियां संस्कारी नहीं होती, मगर जब बवाल मचा तो उन्होंने झट वही कहा जो अक्सर नेता कहते हैं। उन्होंने बोल दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस बार राबड़ी ने कहा कि अपनी मर्जी से कहीं आने जाने और घूमने के लिए वो कतई खिलाफ नहीं है। मॉल का तो जिक्र तक उन्होंने नहीं किया। वो ये भी बताना नहीं भूली कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपनी पहचान मजबूती से बनानी चाहिए। बहरहाल संस्कारी का मतलब राबड़ी के लिए जो हो, लेकिन कुल जमा बात इतनी तो तय है कि बेटों की शादी के लिए राबड़ी बेहद फिक्रमंद है। कुछ ही दिन पहले लालू ने मीडिया के सामने कहा था कि अच्छा रिश्ता हो तो बताइए, क्योंकि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस एक अच्छी बहू चाहिए। पिछले साल राबड़ी देवी ने छठ मनाने से इनकार कर दिया था। अब तो वो छठ तभी मनाएंगी जब उनके घर बहुएं आ जाएंगी। वैसे राबड़ी की सभी बेटियों का घर बस गया है और अब नंबर बेटों का ही है। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि वो शादी माता पिता की मर्जी से करेंगे। अब देखिए कब तक राबड़ी देवी को संस्कारी और लालू को अच्छी बहू मिलती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।